भाई नगरी 300 मारने गए। आर यू रेडी बॉयज? भाई लोग तैयार हो क्या आप सब लोग? एक बहुत ही वेरी सैड न्यूज़ खुल के सामने आ रही है गाइस, प्रो राइडर 1000 की डेथ हो चुकी है। आप लोगों को तो पता है गाइस, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे कि 299 टॉप मारने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं आप सब लोगों को बता देना चाहती हूँ गाइस कि इसलिए एक्सीडेंट नहीं हुआ है क्योंकि उसका सबसे क्लोज फ्रेंड ड्रैगर Z900 ने ये बात सबके सामने बोली है वीडियो में। अब लोग वीडियो देखो। सो गाइस, ये वीडियो कुछ भी लाइक मैं आपको बस एक चीज़ बताने के लिए लेकिन सभी यूट्यूबर्स को प्लीज़ जहाँ तक आप ये वीडियो पहुँचा पाए प्लीज़ पहुँचाए कि लाइक ये एक हिट एंड रन का केस है, प्लीज़ इसको ऐसे मत उठाओ। ठीक है, अगस्त्य भाई ने उससे पहले वीडियोस डाली थी कि मैं बाइक का एक बार को वीडियोस लाइक थोड़ा सा टॉप एंड चेक करूँगा एंड ये सब करूँगा, बट जिस समय वो आ रहे थे लाइक उन्होंने पूरे सेफ्टी गियर्स पहने हुए थे, पूरा हेलमेट वगैरह सब कुछ पहना हुआ था। बाइक की कंडीशन की फ़ोटो मैं आपको डाल देता हूँ, आप देख सकते हो। इसमें क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि ये एक हिट एंड रन का केस है। एंड अगस्त्य भैया के पापा से मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली यही कहा है कि आप एक वीडियो बनाओ, एंड लाइक हर एक यूट्यूबर प्लीज़ हर एक से रिक्वेस्ट है ये प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ जितना हो पाए उतना शेयर करें। एंड ये एक हिट एंड रन का केस है एंड अभी तक जितना पता लग रहा है कि शायद मे बी कोई ट्रक था, या अभी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे वीडियो जितनी निकली है। तो गाइज लास्ट में यही कहना चाहती हूँ गाइज, आप सब लोगों ने देखा कि ये एक हिट एंड रन केस है, तो ये चीज़ को ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ और जो होना था वो तो गाइस हो चुका है। अभी भगवान से यही विनती है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और एक चीज़ गाइस मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो गाइस भाई, UK07 इतना घटिया इंसान है, ये देख सकते हो भाई, एक बंदे की मौत हो चुकी है उसके बाद गाइस अभी भी इनको कॉन्ट्रोवर्सी की पड़ी है। गाइस ऐसे मोटो ब्लॉगर कम्युनिटी में होंगे ना तो गाइस एक भी मोटो ब्लॉगर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये भाई UK07 राइडर से देखो भाई, कितना घटिया इंसान है ये।